हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम देखने वाले जेपी पावर के बारे में। जैसे आपने देखा, लास्ट टाइम भी हमने जेपी पावर पे बहुत अच्छा कवरेज कर लिया था, 1.7 के व्यूज है इसमें। और अगर देखा जाए तो और एक हमने वीडियो, हाँ यहाँ पे 1.2 के है। अभी जितने भी लोगों ने मेरा सुन के इसमें बाइंग की है वो प्रॉफिट में तो 100% है, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि हमने बहुत निचले लेवल पे बोला था, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मैंने खरीदारी करने के लिए कहा था ये शेयर, तो आज के दिन में वो प्रॉफिट में होगी ही होगी। तो अभी हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि आज के दिन में जेपी पावर में कितने डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो गई है, क्योंकि शेयर बहुत तेजी से ऊपर गया है। जो अभी अभी जस्ट ये मूव आई थी ऊपर, 10% ऊपर था ये शेयर, अभी 8.5% ऊपर है। तो इसमें 10% जब भी ऊपर था तब तो इसमें किसने बाइंग की है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, 1:04 ये 20 लाख शेयर उठाए गए, ये 20 लाख, ये 20 लाख, ये 25 लाख, 18 लाख, ये 10 लाख। मैं मतलब ये जो पेनी शेयर होता है ना, उसमें 1 लाख 2 लाख की क्वांटिटी तो निग्लेक्ट ही कर दो, वो तो नॉर्मल नॉर्मल ट्रेडर्स भी खरीद लेते हैं। पर जो बड़ी बड़ी डील्स होती है, 1:04 पे अगर देखते हो, चार्ट में बड़ा कर लेता हूँ, ये रहा 1:04 पे, ये देखो कैंडल कैसे ऊपर जा रही है। ये जो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, ये शेयर मतलब ये जो इसका क्रेडिट है पूरा ऊपर जाने का, ये इन इन लोगों के लिए 20 लाख 4,000, 14 लाख, 25 लाख, 18 लाख, 60,000, तो ये जो लोग है ये ऐसी क्वांटिटी खरीदते हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड करते हैं ये लोग। हम इनको मतलब जो ऑपरेटर बोलते हैं, हम लोग तो इनके आसपास भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर कितना खरीद लेगा, 5,000 शेयर खरीद लेगा, 10,000 खरीद लेगा। बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर होगा तो वो 20-25,000 शेयर खरीद लेगा। पर ये जो ऑपरेटर लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते, वो एट ए टाइम एक एक टाइम पे ये 20-20 लाख 25-25 लाख शेयर खरीदते हैं। और उनको जैसे मैंने आपको बताया, समझो ये 25 लाख शेयर खरीदे और उसमें से 25 लाख शेयर में से 25 लाख शेयर हो गए, और ये अगर समझो 0.15 से भी बड़ा, तो उनका 3,75,000 प्रॉफिट होता है। आज के दिन में देखा जाए तो ये आराम से 0.15 से बड़ा, दो नहीं देखो 3 रुपए को इसकी ओपनिंग होने के बाद 30 पैसे बढ़ा है। हमने तो 15 पैसों का कैलकुलेशन किया, ये सिर्फ 15 पैसों का कैलकुलेशन किया, पर शेयर आज के दिन में 30 पैसे से बढ़ा है, तो उनको 6 लाख प्रॉफिट हो जाता। तो इस हिसाब से पेनी शेयर में चलता है ट्रेड। हमें क्या करना है, अच्छे पेनी शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उनको लेके रखना है और बैठ जाना है। जल्दबाजी उसमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें बेच दिया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं करना है। अगर टोटल एनएससी पे भी हम रिपोर्ट देखते हैं आज के दिन का जेपी पावर का, तो इसमें देखो 4,95,00,000 शेयर अभी तक ट्रेड हुए, और उसमें से मतलब ये तो ट्रेड हुआ है, पर डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखा जाए, क्वांटिटी ट्रेडेड कितना है, 2,44,00,000, उसमें से 1,53,000 शेयर डिलीवरी में उठाए गए। अगर देखा जाए तो 62.58% डिलीवरी आज के दिन में जेपी पावर में उठाई गई है। हमने ये वीडियो में, ये जो वीडियो है 1 वीक अगो हमने अपलोड किया था, कि जो पावर ग्रिड का इनविट आ रहा है उसका फायदा जेपी पावर को हो सकता है। तब बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आ गए थे हमारे चैनल पे बताने के लिए, पावर ग्रिड का इनविट से इनका कुछ संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आ जाते एक्सपर्ट लोग, पर संबंध है। और ये शेयर में अभी क्लियर मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था, पेनी शेयर में आपको स्टॉप लॉस कोई नहीं देगा, वो देखो हमने स्टॉप लॉस दिया है, क्लियरली स्टॉप लॉस दिया है, 2,80 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है। ऊपर का टारगेट, पहला टारगेट अपना ये लेवल का है, 3,50 रुपए का था, और अगर 3 रुपए निकलता है तो डायरेक्ट टारगेट अपना होगा 4,25 रुपए का। तो ये बड़े बड़े टारगेट हमने पेनी शेयर में दे के रखे, हमारे जो मेंबर्स है उनको भी दिया है, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी पता है कि ये टारगेट शेयर में आ सकते हैं। तो जिन्होंने भी एंट्री ली है, अभी भी डरने की कोई बात नहीं है, मस्त करके होल्ड रखो शेयर को, खोने को कुछ नहीं बचा इसमें, पर आने को बहुत ज़्यादा बचा। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे,
समझो इसने लॉन्ग टर्म चार्ट पे कवर कर लिया। लॉन्ग टर्म चार्ट में तो ये शेयर कहीं के कहीं था, मतलब ये देखो कहाँ पे इसने हाई लगाया था, ये 143 का, 143 से गिर के अभी सिर्फ 3 रुपीज पे आ गया है। 143 से गिर के 3 रुपीज पे आ गया है ये शेयर। समझो आपने 10 साल भी होल्ड किया, 10 साल होल्ड करने में ये शेयर समझो 2500 रुपये भी चला गया, 10 साल में सिर्फ 22 रुपये की भी मोमेंट आ गई। आपका प्रॉफिट उसमें इतना ज्यादा होगा कि आप मतलब सोच भी नहीं सकोगे, इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 25 होता है तो फिर ये शेयर रुकेगा नहीं, 50 तक भी ऊपर जाएगा आने वाले सालों में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें पैसा कमाते हैं, शॉर्ट टर्म एक बार लग गया लोअर सर्किट तुरंत घबरा जाते हैं, अगले दिन सेल करके निकल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही पैसा बनाएगा। तो अगर आपने लिया है मेरे कहे हुए लेवल पर लिया है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। टारगेट 4 रुपये 25 पैसे का हमारा पहला। तो बने रहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।